नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम झुमकी बहन आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी खेती बारी आपकी मुस्कान से झलक रही है कि वो भी अच्छी होगी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कार्यक्रम के आरंभ में हम कृषि समाचार लेकर आते हैं और कृषि समाचार में आपके लिए है खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मौसम का मिजाज और बाजार का भाव। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और ये जानकारियां बटोर लाते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा में पशुपालन विकास के लिए चलाई जा रही है कई योजनाएं। चारा संरक्षण के लिए करें साइलेज विधि का उपयोग। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग झारखंड सरकार द्वारा सिमडेगा जिला में पशुपालन विकास के लिए 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें महिला स्वावलंबन योजना, बकरा प्रजनन इकाई, वृहद सूकर प्रजनन इकाई, लघु सूकर प्रजनन इकाई और कुटकुट विकास योजना शामिल हैं। महिला स्वावलंबन योजना के लिए 100% और शेष योजनाओं के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय सिमडेगा में 10 जून 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। किसान भाई, जिस मौसम में हरा चारा की पर्याप्त उपज होती है उस समय भी हम जरूरत से अतिरिक्त चारा का उपयोग नहीं कर पाते हैं और वे अतिरिक्त चारा बर्बाद हो जाता है। आप साइलेज या हे विधि द्वारा अतिरिक्त चारा का संग्रहण और संरक्षण कर सकते हैं। खेतों के द्वारा जो हमें प्राप्त जो भी हरे चारा प्राप्त होता है, हम चूंकि उस समय पर हम खिला नहीं पाते हैं और हमारा एक्सेस जो है बर्बादी हो जाता है। अगर हम उसे संग्रहित करके अपने खेतों से अपने घर पे या आसपास में कहीं रखें तो हम ज़्यादा उसका वैल्यू ले पाएंगे। तो उस विधि को हम लोग कहते हैं हे और साइलेज विधि, जिसके द्वारा हम अपने उस पशु चारा को संग्रहित करके अपने घर पे रख सकते हैं। जो किसान आम का फलबाग लगाए हुए हैं, वे आम के पेड़ की नियमित सिंचाई करते रहें। यदि ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो देसी तकनीक के तहत जड़ के बगल में गड्ढा खोदकर एक घड़े में छोटे छोटे छेद करें और उसमें पानी भरकर गड्ढे में रख दें। आम में सिंचाई की जरूरत होती है, जो कि किसान प्राय बगीचे में सिंचाई नहीं करता है, जिसके कारण जो है उपज के साथ साथ में पौधे का ग्रोथ भी प्रभावित होता है और फल का आकार भी प्रभावित होता है। तो किसानों को चाहिए, अगर वो आधुनिक तकनीक ड्रिप सिस्टम अगर नहीं अपना पाता तो कम से कम अपने फल बाग में वो देसी तकनीक का उपयोग करते हुए मटका घड़ा का उपयोग करें। और घड़ा में छोटा छोटा छिद्र कर देता है तो बूंद बूंद पानी अगर टपके तो उसे क्या होगा कि उसके रूट जोन में पानी की मात्रा बराबर फैलेगी और जड़ से पानी को पौधे को जड़ से पानी का अवशोषण कर पाएंगे और इसके कारण जो है वो उसका पौधे का बढ़वार और फल का आकार और बढ़वार प्रभावित नहीं होगा। किसान भाई, आपके पास यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो मई तक ओल लगा सकते हैं। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो जून से जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की राय। ओल जो अभी हर जगह उपलब्ध है, गजेंद्र नहीं लगाए, कहे कि उसका जो ओल का जो ये उनका जो ट्यूमर है, उनका जो बड़ा साइज होता है, मुंह में लगता नहीं है। उसके कई उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, चिप्स कर लें, अचार कर लें या उसकी जो भी बनाना चाहेंगे। और सबसे खास बात है कि उसका बाजार में डिमांड बहुत आज के दिन में, तो
तो हम लोग चाहेंगे कि कोई भी किसान गजेंद्र रोल, अगर गजेंद्र रोल की कहीं आपको उपलब्धता नहीं है तो केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं और आप पा सकते हैं। लगाने का उपयुक्त बोल का एक तो अभी है और जहाँ सिंचाई नहीं है उसमें हम लोग चाहते हैं कि जून जुलाई में, मई से जुलाई तक हम लोग ओल की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय पानी तो चूंकि मानसून आ गया होता है तो हम लोग उस समय लगा, लेकिन जब हम लोग मार्च अप्रैल में लगाएंगे तो इसमें किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर का फायदा होगा। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान भाई टाड़ खेत में लगे फसल में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने खरीफ कृषि महोत्सव रथ यात्रा 2016 का आयोजन किया। मौके पर कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री रणधीर सिंह ने राज्य के सभी प्रखंडों के लिए कृषि रथ को रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों में आज 25 तारीख से रथ यात्रा की रवानगी कृषि विभाग की ओर से की जा रही है, जो 15 दिनों तक राज्य के सभी जिलों के सैकड़ों प्रखंडों में बारी बारी से किसी रथ जाएंगे और उसके साथ हमारे किसी वैज्ञानिक, हमारे अधिकारीगण, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे कृषक मित्र स्वयं गांव में जाएंगे और केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तृत रूप से जानकारी देने का काम करेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1700 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 3300 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1800 रुपए, दाल अरहर 13000 रुपए से 14000 रुपए, सरसों तेल 10500 रुपए से 11000 रुपए, चीनी 4800 रुपए से 4200 रुपए, आलू 1500 रुपए से 2000 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो देखा किसान भाइयों, समाचार में आपके लिए कितनी सारी जानकारियाँ थी, अच्छी अच्छी जानकारियाँ। अब चलते हैं आगे। नई नई बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम है जिसको देख लेते हैं, फिर वापस लौट कर आते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो अब जैसा कि मैंने कहा कि आपके लिए जानकारियाँ हैं, कुछ नई जानकारी। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऐसा है किसान भाइयों,
कि आज के जो किसान हैं वो सिर्फ सब्जियों की खेती या फसलों की खेती नहीं करते, इससे आगे निकलकर वो फूलों की भी खेती करते हैं और उसको व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। तो फूलों की खेती करनी है तो उसके उन्नत प्रभेद कौन है, उनकी खेती आप कैसे करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था कैसे करेंगे, बीज का प्रयोग कैसे करेंगे आदि आदि बहुत सारी जानकारी। तो अभी हम जानकारी लेकर आए हैं फूलों में गुलाब फूल के। सभी को पसंद है गुलाब फूल, देखने में काफ़ी मनमोहक लगता है। तो आइए हम आगे चलते हैं और विशेषज्ञ से जुड़ते हैं और विशेषज्ञ देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आए हैं गुलाब की जानकारियों में। गुलाब यानी फूलों का राजा अपनी सुंदरता, सुगंध एवं औषधीय गुणों के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक अनुष्ठानों और गुलाब जल, गुलकंद, इत्र सहित कई तरह की वस्तुएं बनाने में गुलाब के फूलों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पूरे विश्व में गुलाब के फूलों का एक बड़ा बाजार है। गुलाब की बढ़ती मांग को देखते हुए झारखंड के किसान इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए जीवांश युक्त दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जमीन समतल हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो और मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आवश्यक है कि आपका जो खेत की मिट्टी हो वो कैसी हो। तो मिट्टी यहाँ पर जो है सो मटियार से लेकर दोमट मटियार तक की मिट्टी अच्छी होती है, जिसमें कि जैवांश, जिसको कि अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, उसकी भरपूर मात्रा हो और जमीन समतल हो, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, सिंचाई का साधन उपलब्ध हो, क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है। इसके लिए आप सालों भर जब खेत में रहना है इस फसल को, स्वाभाविक है कि पानी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहाँ पर सिंचाई का साधन उपलब्ध हो वहीं पर संभव है, अदरवाइज ये जो है सो खेती इसकी संभव नहीं है। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और मिट्टी की मृदा की जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। गुलाब की खेती के लिए प्रजातियों का सही चुनाव काफी आवश्यक है। गुलाब की कई प्रजातियां हैं और दिलचस्प नामों के साथ नित्य नवीन प्रजातियां बाजार में उपलब्ध होती हैं। वैसी प्रजातियां बेहतर होती हैं जिनकी शाखाएं लंबी होती हैं और जिनके प्रत्येक शाखा से फूल प्राप्त हो। कट फ्लावर की दृष्टि से हाइब्रिड टी प्रजाति अच्छी मानी जाती है। कट फ्लावर के लिए गुलाब बहुत तरह के होते हैं, उसमें एक हाइब्रिड टी होता है। हाइब्रिड टी के ही कट फ्लावर मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं। तो हमें जब इसके लिए जब कट फ्लावर की खेती करनी होगी तो हमें हाइब्रिड टी में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। और गुलाब और गेंदा दो ऐसे फूल के फसल हैं जिनमें दिन प्रतिदिन नई नई वेराइटी बाज़ार में आ रही है। इस तरह की वेराइटी है सोनिया, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर बीपी पाल, ये बहुत फेमस वेराइटी ये सभी हैं। तो इनका उपयोग करें किसान तो अच्छा जो है सो मार्केट में इनका कट फ्लावर ला करके वे कमाई कर सकते हैं। गुलाब एक बहुवर्षीय पौधा है, इसलिए इसको लगाने से पहले गड्ढे की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और गड्ढे की गोलाई और गहराई तकरीबन 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। गड्ढा को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर चली जाए और साथ ही सड़ी हुई गोबर का इस्तेमाल करें। दीमक से इसे बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का इस्तेमाल करें। पौधे को लगाने के लिए पौधा गुलाब के पौधा के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है, गड्ढे के साइज क्या हो और उसमें हम लोगों को क्या क्या मिश्रण खाद वगैरह वगैरह देना चाहिए। इन तीनों बातों का मैं जिक्र यहाँ पर कर देना चाहूँगा कि पौधे से पौधे की दूरी करीब करीब 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर की दूरी रखें और एक गड्ढे का आकार जो है वो गोलाई में करीब करीब वही 75 सेंटीमीटर के आसपास, माने कि समझिए कि पूरा पूरी गड्ढा जो है सो उसी साइज का गड्ढा भी हो जा रहा है और इस गड्ढे की गहराई 75 सेंटीमीटर करीब हो। और मिट्टी जब निकालते हैं तो मिट्टी को आधा ऊपरी सतह का मिट्टी एक तरफ रखेंगे, नीचे की मिट्टी एक तरफ रखेंगे। जब भरने लेंगे तो हम लोग उल्टा भरेंगे, ऊपर वाली मिट्टी नीचे डालेंगे, नीचे वाली मिट्टी ऊपर डालेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी फसल का जो जड़ होता है जिधर ज़्यादा खाद होता है उधर की ओर जाता है। तो आप यदि अच्छा मिट्टी जो ऊपर में होता है वो यदि नीचे डालते हैं तो स्वाभाविक है कि जड़ नीचे की ओर जाएगा, तो उससे हमें फायदा मिलेगा। और यदि जड़ ऊपर की ओर जाने के लिए हम ऊपर मिट्टी देते हैं, अच्छा नीचे खराब मिट्टी देते हैं, तो उससे हमको गर्व फायदा होगा। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखेंगे। इनके अलावा में वे जो मिट्टी भराई करते हैं उसके साथ में उस समय वे प्रति गड्ढा करीब करीब 10 से 15 किलो गोबर
की सड़े गोबर की खाद जो कि करीब करीब 2 से 3 टोकरी होगी वो उसके साथ मिला करके वो डालें। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ झारखंड में दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है हर एक जगह प्रायः, तो ये दीमक के प्रकोप के रोकथाम के लिए क्लोरोपायरीफास नाम की दवा प्रति गड्ढा 50 ml ये मिला दें और मिला करके उस गड्ढे की भराई कर दें। गुलाब के पौधों में सिंचाई आवश्यक है। गर्मी में प्रति सप्ताह 2 बार और ठंड में 1 बार सिंचाई करें। कम पानी वाले क्षेत्रों में टपक सिंचाई विधि का उपयोग करना चाहिए। जब एक बार फसल लग जाती है तो जाड़े के दिनों में प्रत्येक सप्ताह 1 बार सिंचाई करें और गर्मियों में 2 बार सिंचाई करें और इस तरह से मेंटेन करें। पानी के भारी अभाव है अपने झारखंड में, इसके लिए पौधे पर सिंचाई करें वे टपक सिंचाई विधि से करें, और टपक सिंचाई वे बूंद जिसमें कि बूंद बूंद करके पानी टपक करके गिरता है और उसके द्वारा सिंचाई करें, तो प्रति एक छेद से वो करीब करीब 1 घंटे में 2 लीटर करीब पानी गिरता है और इस तरह से वे सिंचाई करके अपने पौधे को कम पानी में ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। चूँकि गुलाब एक बहुवर्षीय पौधा है इसलिए इसके पोषण का खास ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए सरसों की खली 5 किलोग्राम, हड्डी का चूरा 5 किलोग्राम, अमोनियम फॉस्फेट 2 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 किलोग्राम तथा पोटाश खाद 1 किलोग्राम मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और बरसात के बाद 100 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से डालें। हर एक साल ये बहुवर्षीय फसल होने के कारण इनमें को हर साल पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, तो पोषण के लिए प्रति गड्ढा एक मिश्रण को देना पड़ेगा 100 ग्राम प्रति गड्ढा। वो मिश्रण क्या होगी वो जान ले किसान भाई, वो हमारे यहाँ सरसों की खली मिलती है वो 5 किलो, हड्डी का चूरा 5 किलो, अमोनियम फॉस्फेट 2 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 किलो, और इसके अलावा ये पोटास खाद ये 1 किलो मिला करके इसका मिश्रण तैयार करें और इसमें से 100 ग्राम मिश्रण प्रति पौधा ये हर एक बार बरसात के बाद जब ये विंटरिंग करते हैं उस समय ये उसको डालें और डाल करके फसल को अच्छा करें। पौधों को उचित पोषण मिल सके इसके लिए सितंबर अक्टूबर के महीने में पौधों की जड़ों को खास आराम की जरूरत होती है, इसके लिए विंटरिंग करना चाहिए। विंटर अंग्रेजी में जाड़े के सीजन को कहते हैं। जाड़ा आरंभ होने से ठीक पहले बरसात खत्म होने के बाद यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर मध्य तक का जो समय हुआ है यह समय होता है गुलाब विंटरिंग या हिंदी में कृत्रिम आराम का समय कराने के लिए। इसके लिए क्या करते हैं करीब करीब 3 दिन तक हम गड्ढे ये जो जड़ वाला हिस्सा है पौधे के पास वाला वहाँ से मिट्टी निकाल देते हैं खोद करके और वहाँ पर जड़ के हिस्से को हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जो शाखा जो कमजोर शाखा है उसका सारा खाद खींच करके जड़ की ओर आ जाता है और वो शाखा सूख जाता है खत्म हो जाता है। इस तरह से हमारा एक प्रकार का प्रूनिंग भी हो गया और जो खाद से बर्बाद होता है वो हमारा पौधे में ही रह गया। यही काम है विंटरिंग, इसी को कहते हैं कृत्रिम आराम। अच्छी फसल के लिए किसान भाई पॉली हाउस में गुलाब की खेती करें। पॉली हाउस में उचित वातावरण और कीड़े मकौड़े का प्रभाव कम होने के कारण फूल सुंदर और आकर्षक होते हैं। कि पॉली हाउस के अंतर्गत वातावरण को हम कंट्रोल कर सकते हैं और बाहर में वातावरण को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके कारण कि रोग कीट वगैरह का या वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा फूल के ऊपर पड़ता है और फूल पर वातावरण खासकर वातावरण का प्रभाव थोड़ा सा ही गड़बड़ाया तो फूल की क्वालिटी गड़बड़ हुई आपका मार्केट खत्म। इसके लिए हमें पॉली हाउस में खेती करनी ज़्यादा अच्छी है। बाजार में गुलाब की मांग को देखते हुए पारंपरिक खेती से जुड़े किसान एवं युवा किसान गुलाब की खेती कर अच्छा मुनाफा और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, विशेषज्ञ ने आपके लिए कितनी बढ़िया जानकारियां लाई थी गुलाब के लिए, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो चले अब आगे बढ़े, लेकिन रुक जाइए, एक छोटा सा विराम है, उसके बाद वापस आते हैं फिर अगली जानकारी लेकर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। अब आगे बढ़ते हैं विशेष जानकारी की ओर। ऐसा है किसान भाइयों कि गर्मी का मौसम है और
और गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है, हमारे लिए भी हमारे फसलों के लिए भी, लेकिन व्यवस्था करनी आवश्यक है। तो फसलों को पानी हम कैसे दें, कम पानी में हम उनकी सिंचाई कैसे करें, भरपूर सिंचाई, ये सब जानकारी लेकर आए हैं विशेषज्ञ जो आपको कम पानी में सिंचाई की व्यवस्था के बारे में, बेहतर तकनीक के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और ये विशेष जानकारी देख लेते हैं। लगातार घटता भूगर्भीय जल स्तर, जमीन का ढलाऊ होना और वर्षाश्रित खेती जैसे कई कारक हैं जो झारखंड के किसानों के लिए कृषि कार्य को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। अधिकतर खेतों में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को एक फसल लेकर ही संतोष करना पड़ता है, लेकिन फसल प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन की जानकारी से किसान भाई कम पानी से भी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। जो इरिगेशन मैनेजमेंट हम बोल रहे हैं, इसमें जैसे उन्नत तकनीक आती है, कुछ ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर्स है या ये सब है, तो ये सारी दो तरीके का तकनीक होता है। कम पानी की उपलब्धता की स्थिति में खेत में लगाई जाने वाली फसलों पर खास ध्यान देना आवश्यक है। अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों के बजाय उन फसलों का चुनाव करें जो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे सके। ये कुछ हमारे फसलें होती हैं जैसे जो गर्मी में आती हैं अच्छे से, जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, ये सब जो फसल है इसमें पानी की कम लागत होती है। और जब आप खीरा या तरबूजा में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी लगता है, जिससे कि हमारे हो सकता है कि जितना प्रोडक्शन या उपज हमें मिलनी चाहिए उतनी ना मिले, तो हमारा उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए मिट्टी के ऊपर आच्छादन काफी लाभदायक सिद्ध होता है, साथ ही निकाई गुड़ाई अत्यधिक करने पर मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है। अगर फसल में जाते हैं तो जो मिट्टी की जो नमी है वही मेन है, होता है जो फसल हमारी मिट्टी से पानी लेता है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम जैसे देखेंगे मिट्टी में जो है एक आच्छादन रहे हमेशा के लिए। दूसरा होता है जो मिट्टी का जो सॉइल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब करें, ज़्यादा गुड़ाई वगैरह करके उसको भुरभुरा ना बनाएं। तीसरा होता है जो हम आच्छादन करेंगे उसमें हो सकता है हम प्लास्टिक का भी करें या जो पॉडी स्ट्रॉ या पुआल जो होता है हमारा धान का, उसको भी हम खेत के ऊपर बिछा सकते हैं। मल्चिंग के लिए प्रयुक्त पॉलिथीन की मोटाई और रंग का भी ध्यान रखना चाहिए। मल्चिंग वाष्पीकरण से होने वाली हानियों को रोकता है और मिट्टी के नमी को अधिक समय तक बरकरार रखने में सहायक होता है। पॉलिथीन मल्च में जाते हैं तो पॉलिथीन का कलर कौन सा होना चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जिस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हम देखेंगे जो पॉलीथीन होता है वो 25 माइक्रोन का आता है, मार्केट में उपलब्ध है, किसान भाई आसानी से खरीद सकते हैं। और दूसरा होता है उसका कलर, तो एक काला पॉलीथीन जो है वो गर्मी के मौसम में अच्छा काम करता है, ताकि जाड़े के मौसम में अच्छा काम करता है, अगर गर्मी है तो आप सफ़ेद में भी जा सकते हैं। वो पॉलीथीन क्या करता है, जो बाफ बन के पानी जो उड़ जा रहा है उसको रोकता है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा दिन तक पानी मिट्टी में बचा रहता है। कम पानी से अधिक उपज लेने के लिए फसल के हिसाब से टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि को अपनाना चाहिए, इससे पानी के साथ साथ खाद उर्वरक समय और श्रम की भी बचत होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक ड्रिप इरिगेशन या टपकन सिंचाई जिसको बोलते हैं, उसमें लगभग 50% तक पानी कम लगता है, तो उस टाइप की जो तकनीकी है उसको हम अपनाएं और अपनी पानी की बचत करें। उसमें हो सकता है कि हमारा लेबर की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है और खाद जो डालने वाला है उसमें खाद की भी बचत होती है, तो पानी के साथ साथ खाद की बचत भी उसमें ज़्यादा होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होती है जिसमें फव्वारा की तरह पानी हवा में छोड़ा जाता है और बाद में आके वो फसल के ऊपर गिरता है, बारिश नुमा इरिगेशन होता है इसमें। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम भी है, इसमें ड्रिप इरिगेशन से बहुत कम लागत आती है और झारखंड सरकार की इसमें बहुत अच्छी स्कीम भी चल रही है जिसमें कि सब्सिडी का प्रावधान भी है। पानी का संरक्षण कर उसका उपयोग खेती किसानी में करने के लिए सरकार के द्वारा डोभा निर्माण के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा होता है एक डोभा, जो मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब पानी इकट्ठा करने की एक तकनीक है, जिसमें एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है, 3 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1 मीटर गहरा होता है, जो लगभग 4,500 लीटर पानी स्टोर कर सकता है। तो ये तकनीक मेनली हमारी सब्जियों के लिए नहीं है, जो अगर हम ऑर्चर्ड में मतलब फलदार वृक्ष अगर हम लगाते हैं, लीची और आम हो, तो उसके लिए हमें डोभा टेक्निक में जाना चाहिए। फल बागों में मटका में पानी रखकर सिंचाई किया जा सकता है। इस तकनीक के उपयोग से वृक्षों को आवश्यकता अनुसार अधिक समय तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।
बाग बगीचे में किसान भाइयों सबसे अच्छी तकनीक जिसको माना जाता है वो तो टपकन विधि ही है, लेकिन अगर उतना उसका खर्चा अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी किसान भाइयों को, तो उसके लिए एक बहुत ही सस्ती तकनीक है जिसको घड़ा वाला टेक्निक जो होता है, जिसमें छोटे छोटे मिट्टी के घड़े होते हैं जो हर एक पौधे के बगल में एक मिट्टी को ज़मीन में नीचे दबाया जाता है, उसमें पानी भरेंगे, उस घड़े में छोटे छोटे होल होते हैं जिसमें कि एक जो कॉटन होता है हमारा कपास उसको भी डाला जाता है ताकि पानी बूंद बूंद करके उससे भी बाहर आता है, जैसे हमारे पौधे की ज़रूरत है उसके हिसाब से पानी उस घड़े से बाहर आता है। अगर बहुत बड़ा पौधा है आम का हमारा 10 साल का पौधा है तो उस केस में हो सकता है कि हमें 2 घड़े या 3 घड़े उस पौधे के आजू बाजू में हमें रखने पड़ेंगे। प्रति बूंद अधिक फसल और हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नए जल स्रोतों का निर्माण, जल संरक्षणों की मरम्मत, सुधार और नवीकरण, खाली जगहों में भूजल विकास से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है। किसान भाइयों, अगर आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम में जाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी लागत भी आती है, तो इसके लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं उनके पास एक स्कीम चल रही है जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, जिसमें बहुत सारा सब्सिडी, मतलब 90% की सब्सिडी इस टपकन सिंचाई पे मिलती है, तो किसान भाई वहां संपर्क करके इस तकनीक का लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छा लगा ना आपको आज का कार्यक्रम और आज की जानकारियाँ? तो चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले रुक जाइए, पता लिख लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो लिख लिया ना पता आपने? अब इस पते पर आप अपनी जानकारियाँ, अपने सुझाव और अपनी समस्याएं सब कुछ लिख भेजिए, हम सब कुछ शामिल करेंगे और अगले कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ हमारी टीम और अपनी चुमकी बहन को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।